अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा राशिद यूट्यूब चैनल में आपको बहुत वेलकम करती हूँ। आज की रेसिपी है चाइनीज़ राइस विद चिकन शाश्ले। ये किसी की फरमाइश है, इंशाल्लाह आप सबको भी बहुत पसंद आएगी, ट्राई करें। हाँ जी, तो मैंने सबसे पहले सब्जियाँ काट के रखी हुई हैं लंबी लंबी शेप में। मैंने ले लिया है कैबेज, कैरेट, ग्रीन अनियन और कैप्सिकम। ठीक है जी, सिर्फ कटिंग में टाइम लगता है, पकाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। चार मसाले चाहिए होंगे हमें, ब्लैक पेपर, शुगर और कुटी मिर्च विद सॉल्ट। साथ में हमें चाहिए लहसुन। लहसुन आपने साबित लेने हैं, चॉप करने हैं, पेस्ट वाला लहसुन बिल्कुल यूज़ नहीं करना। मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, इसमें ये बासमती राइस है। और इसके अलावा हमें चिली सॉस, गार्लिक सॉस और सोया सॉस ले लेनी है। हाँ जी, बहुत इजी, बहुत सिंपल। पहले आप पानी बॉईल कर लीजिए, चावल को अच्छे से पका लीजिए, सिंपल नमक डालकर चावल बॉईल कर लें। सिर्फ एक कनी चावल छोड़ दीजिएगा ताकि हम स्टीम में जब रखें तो चावल गीली ना हो। ठीक है जी, देख लीजिए आप चावल, बिल्कुल मैंने एक कनी रखा है। तीन कनियों पे चावल होते हैं जैसे कि हम कहते हैं, तो दो कनियाँ पका कर एक कनी पे रख दें, इस तरह से स्टीम पे रखने वाली सिचुएशन में। ओके, अब मैं एक पैन ले लेती हूँ, उसमें मैं घी या तेल आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने तेल ले लिया है थोड़ा सा, और इसमें मैंने लहसुन चॉप किए हुए डाल दिए हैं। लहसुन थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे, आपने पेस्ट वाले लहसुन नहीं लेने, ये साबित लहसुन ज़रूर लेने, चाइनीज़ का बेस्ट होता है। ठीक है जी, अब इसमें मैं डाल दूँगी सबसे पहले बंद गोभी और गाजर। मैंने डिवाइड करके डालना है क्योंकि कैप्सिकम का रंग फ़ौरन से चेंज हो जाता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले गाजर और कैरेट, मतलब गाजर और कैबेज डाले हैं। और इसको कुछ सेकंड्स के लिए मैं चलाती रहूँगी, मैंने कोई मिनट्स पे नहीं पकाया है देर तक, बस फ्राई करती रही खड़े होकर। और फिर इसमें मैंने चारों मसाले ऐड कर दिए, शक्कर, नमक, ब्लैक पेपर और कुटी मिर्च। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है, बस कटिंग करने में टाइम लगता है, आप यकीन करें, ट्राई करें। अब मैं इसे एक, फिर मैंने इसमें कैप्सिकम भी डाल दिया है, ये देखिए आपने मोटी मिर्च भी डल गई है हमारी। अब मैं इसको सिर्फ एक से दो मिनट के लिए ढक दूँगी। अब मैं इसमें राइस भी डाल दूँगी, चावल आपने डाल देना है और सोया सॉस सरका ये हाफ ऑफ टी स्पून लेकर, तकरीबन दो टी स्पून के बराबर होंगे तब डालिएगा, ज़्यादा नहीं है यूज़ कीजिएगा। और मैंने चिली सॉस नहीं डाला है। ठीक है, इसको राइस को भी डाल दीजिए आप। और मुझे लग रहा था कि शायद तेल या घी कम हो गया होगा, तो मैंने ऊपर से घी डाला है। चावल में जब भी ऊपर से डालना हो तो घी डालिएगा, ज़्यादा बेटर होता है, तेल की ज़रूरत नहीं होती है। अब ऊपर से मैंने अनियंस को रख दिया है, इस तरह से जैसे कि हम ब्राउनी प्याज वगैरह सजा रहे होते हैं, उस तरीके से मैंने ग्रीन अनियंस को सजा दिए हैं ताकि इसका कलर प्रॉपर उतरे। और ब्लैक पेपर थोड़े से क्रश कर छीट दिया है मैंने। ठीक है, अब मैं इसको कवर कर दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट का मतलब है कि आप इसको तेज़ फ्लेम में रखिए, जब स्टीम मिल जाए चावल को, ये बेस्ट पार्ट होता है, आपने फ्लेम बंद कर देना होता है, फिर वो उस कवर को ढके रहने दीजिए। आप यकीन करें चावल कभी भी गीले नहीं होंगे आपके, ये देख सकते हैं आप, चावल बिल्कुल भी गीली नहीं हुई थी मेरी, मतलब गीले नहीं हुए थे और ये बहुत ज़बरदस्त था, नीचे भी नहीं लगे थे। फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी और फिर मैंने इसको डिश आउट किया था और ये बहुत ज़बरदस्त था। जैसे कि ये सिंपल रेसिपी है, मैंने इसमें चिकन और अंडा यूज़ नहीं किया है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैं चिकन शाश्लिक भी बना दूँ हाथ के हाथ। मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि मैं शाश्लिक भी बनाऊँगी, और शाश्लिक के लिए हमें चाहिए टमाटर क्यूब्स में कटे हुए, कैप्सिकम और अनियन क्यूब्स में कटे हुए होने चाहिए, और चिकन भी क्यूब्स में कटी हुई होंगी। साथ में हमें लहसुन चाहिए, वही तीन सोया सॉस, सरका चिली सॉस और ब्लैक पेपर, शुगर, क्रश चिली और सॉल्ट, यही चार मसाले हमें इसमें भी यूज़ करने हैं। साथ में हम टमाटर का पेस्ट लेंगे और कॉर्नफ्लोर 2 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है जी, टमाटर का पेस्ट मैं आगे दिखा दूँगी। अभी मुझे पैन मैंने गर्म कर लिया है, इसमें मैंने 2 स्पून ऑफ ऑयल के डाले हैं और मैं क्रश किए हुए लहसुन डाल दूँगी। लहसुन थोड़े से ब्राउन हो जाए, इसके साथ ही हमने चिकन में मसाले मैरिनेट कर देने हैं। ठीक है जी, चिकन में हमने वो चार मसाले अपने दोबारा से डाल देने हैं, इसमें ब्लैक पेपर, चीनी, क्रश चीनी और सॉल्ट, ये मैंने डाल दिया है इसमें। और अब साथ में इसमें सिरका और सॉस भी डाल दूँगी, चिली सॉस अभी नहीं डालूँगी। ठीक है, आपने मैं ये बात आपको दोबारा रिमाइंड करा दूँ कि मैंने चावल में चिली सॉस यूज़ नहीं किया था, दिखाया था पर यूज़ नहीं किया था। चिली सॉस हम यहाँ यूज़ करेंगे लेकिन अभी नहीं, सिरका और सोया सॉस डालेंगे सिर्फ। अब मैं इसे पैन में डाल दूँगी। चिकन को हमें लाइट सा ब्राउन, मसाले के साथ ब्राउन कर लेना है, क्रक क्रक सा बिल्कुल रेड सा कर लेना है, फिर क्रंची। ठीक है जी, अब ये देखिए मैंने चिकन डाल दिया है इसमें और ये फटाफट मैं इसे लाल कर लूँ। बहुत जल्दी बन जाती है ये रेसिपी और बहुत मज़े की लगती है, बस थोड़ी सी कटिंग में टाइम लग रहा होता है मेरी नज़र में। आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिए। और ये चिकन हो गई है, देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा था, मैंने तो इसे उठा के खाया था, बड़ा मज़े का लग रहा था। हाँ जी, और ये देखिए टमाटर का पेस्ट, मैं बता रही थी आपको कि मैं टमाटर का पेस्ट डालूंगी इसमें। मैंने 2 टमाटर के पेस्ट लिए हैं, इसमें सिरका सॉस है और यहाँ पे मैंने यूज़ करना है
चिली सॉस, ये मैंने इसमें चिली सॉस भी डाली है। मैंने चिली सॉस तकरीबन एक स्पून लिया है। अब मैं इसे डालूंगी, टमाटर का थोड़ा सा भी पानी खुश्क हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी अनियन और कैप्सिकम, क्योंकि टमाटर डाल दूंगी तो टमाटर फ़ौरन गल जाएंगे और फिर वो टमाटर अपना कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा। टमाटर का कलर भी ऑलरेडी रेड सॉस होता है तो इसमें टमाटर नज़र भी नहीं आएगा, इसलिए मैं टमाटर बिल्कुल लास्ट में डालूंगी, टमाटर फ़ौरन स्टीम में गल जाते हैं। अब मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल दूंगी और रेड चिली क्रश किए हुए डाल दूंगी, ठीक है जी, क्रश कर दूंगी। और आप सॉल्ट डाल दें, ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी आप जब केचप यूज़ करेंगे तो उसमें सॉल्ट होता है, सॉस वगैरह में भी लगता है तो वो सॉल्ट ज़्यादा तेज़ हो जाता है, इसलिए आप कुछ चुटकी डाल दें सॉल्ट, फिर आप टेस्ट कर लीजिए। मैंने शक्कर डाल दिया इसमें, ये लाजमी डालिएगा शुगर क्योंकि चाइनीज़ थोड़ा सा। अब मैं इसमें 2 स्पून के करीब केचप डाल दूँगी, कोई भी केचप आपके पास मौजूद हो रेड तो वो आप डाल दें। और अब मैं टमाटर डाल दूँगी, आप देखिएगा टमाटर बिल्कुल भी नहीं गलेगा। अब इसको 2 मिनट के लिए पकाऊँगी। इसमें मैंने कि तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब पानी डाला है, मुझे ज़्यादा मतलब काढ़ा ना हो इसीलिए। अब मैं कॉर्नफ्लोर को घोल लूँगी पानी में अच्छे से। और हाँ, कॉर्नफ्लोर डालने के लिए आपको स्टीम बिल्कुल फुल रखना और उसको जब डालें तो फिर चम्मच चलाती रहिएगा। तकरीबन 2 चम्मच के करीब डाली हूँ, आप देख लीजिएगा आप कितना पानी डालनी है, आपकी क्वांटिटी के सामान मतलब के चिकन और कैप्सिकम वगैरह कितने हैं उस हिसाब से आप कर लीजिएगा कॉर्नफ्लोर का। मैंने इतना डाला है और इस तरह की कंडेंसिटी होनी चाहिए, थिकनेस होनी चाहिए, ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है और बहुत मज़े का बना है। ये डन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पका लिया और इंशाल्लाह जिसकी भी ये फरमाइश थी उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगी और उन्हें ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आपको भी मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं मुझे और कौन सी रेसिपी आपको चाहिए आप मुझे बताएं, मेरी गलतियों को बताएं, इंशाल्लाह मैं अपनी मिस्टेक को ठीक करूँगी। और ये देखें, कोई अंडा नहीं, कोई चिकन नहीं, ये सादी राइस है। आप इसके साथ मायोनीज़ वगैरह डालकर भी खा सकते हैं, चाहे तो शाशलिक बनाएं और